अब डिफेंस भी मेक इन इंडिया सेना को मिलेगा आकाश प्राइम आकाश प्राइम बनेगा दुश्मनों के लिए काल बेहद घातक एवं अत्याधुनिक है आकाश प्राइम भारत की सेना विश्व में अब और भी मजबूत नमस्कार डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा दुश्मन देशों के नापाक इरादों को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना को एक और अचूक हथियार मिलने जा रहा है ये एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही लड़ाकू विमानों ड्रोन को मार गिराएगा ये हथियार बेहद घातक है यह हथियार बेहद सटीक है और सबसे बड़ी बात यह हथियार विदेशी नहीं बल्कि मेक इन इंडिया है इस मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम मिसाइल भारतीय सेना की जल थल और वायु सुरक्षा आए दिन और भी मजबूत और कड़ी होती जा रही है सेना में ऐसे शक्तिशाली उपकरण शामिल किए जा रहे हैं जिसके नाम मात्र से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे और इसी कड़ी में भारतीय सेना को दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मार गिराने की अपनी क्षमता को बढ़ाने देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत देश को एक बड़ी ताकत मिलेगी और ताजा जानकारी यह है कि सेना आकाश प्राइम मिसाइल की दो नई रेजिमेंट खरीदेगी सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की क्या कुछ है खासियत तमाम सुविधाओं से लैस है आकाश प्राइम आकाश प्राइम की बात की जाए तो ये तमाम सुविधाओं से लैस है मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरब साधक से बनाया गया है जो उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं 4,500 मीटर की ऊंचाई पर भी दमदार इस मिसाइल सिस्टम में तकनीक को और उन्नत किया गया है इसके चलते यह मिसाइल सिस्टम ऊंची जगहों के निम्न तापमान में ज्यादा विश्वसनीय तरीके से काम करेगा इस मिसाइल सिस्टम को 4,500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है ये दुश्मन के लड़ाकू जहाजों एवं ड्रोन को करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकता है पलक झपकते ही लड़ाकू विमानों ड्रोन को मार गिराएगा। आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बेहद अत्याधुनिक एवं नई तकनीक से लैस है दुश्मन देशों की तरफ से आने वाले लड़ाकू विमानों एवं ड्रोन को ये मिसाइल सिस्टम पलक झपकते ही मार गिराएगा प्रस्ताव सरकार के सामने एक उन्नत चरण में है ये प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान दोनों की की ओर से होने वाले हवाई हमलों के खिलाफ देश की ये डिफेंस को और मजबूत करने में मदद करेगा इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम में तकनीक को और उन्नत किया गया है इसके चलते ये मिसाइल सिस्टम ऊंची जगहों के निम्न तापमान में ज्यादा विश्वसनीय तरीके से काम करेगा यानी कि ये मिसाइल कम तापमान में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है अब आपको बताते हैं एक अहम जानकारी कि आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हो चुका है जी हाँ भारत ने ओडिशा के अपतटीय तटीय क्षेत्र में चांदीपुर स्थित आईटीआर से न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने यह परीक्षण त्रिव गति वाले एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया जिसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया डीआरडीओ ने ट्वीट करके वीडियो शेयर किया और बताया है कि आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का आज एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमान के तौर पर मानव रहित एयरियल टारगेट को इंटरस्पेस्ट किया और फिर उसे नष्ट किया तो आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हो चुका है सेना की यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा भी जा चुका है स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की दो नई रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है तो बहुत जल्द सेना को यह मिसाइल मिलने जा रही है इस खरीद के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी सूत्रों का कहना है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन एवं पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम बनाएगा आकाश प्राइम मिसाइलों की दोनों रेजिमेंट को पंद्रह हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है नई आकाश मिसाइलों में बेहतर प्रदर्शन रेंज है जो पाकिस्तान और चीन के साथ पहाड़ी सीमाओं के माध्यम से विमान की किसी भी घुसपैठ से बचाने में सक्षम है अब आपको बताते हैं आकाश मिसाइल से जुड़ी कुछ और अहम बातें आकाश मिसाइल परिवार में अब तक कुल दो मिसाइलें थी और आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यानी इन्हें जमीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है ये मिसाइल हवा में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है आकाश मिसाइलों को विकसित करने का काम डीआरडीओ ने किया है और इनका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से किया जाता है इसके सर्विलांस रडार कमांड सेंटर और लॉन्चर को बनाने की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और लॉर्सन एंड ट्रूबा के पास है आकाश परिवार की बाकी दोनों मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी वही आकाश प्राइम मीडियम रेंज मिसाइल है आकाश मार्क वन और आकाश वन एस दोनों में ही विदेश से मंगाए गए रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाए जाते थे लेकिन आकाश प्राइम मिसाइल में, में मेड इन इंडिया आर सीकर लगाए गए हैं आकाश प्राइम बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ रहे फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स क्रूज मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से भेजने में सक्षम है ये बेसिक आकाश मिसाइल के मुकाबले तकरीबन 10 गुना ज्यादा इलाके को स्कैन कर सकती है तो ये थी आकाश प्राइम मिसाइल की कुछ खास बातें आकाश प्राइम सख्त ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ आएगा ताकि ये शून्य से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे भी काम कर सके जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दियों में कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान होता है भले ही आकाश एम और आकाश एम सभी मौसम में कम मध्यम और ऊंचाई से प्रवेश करने वाले मध्य दूरी के हवाई लक्ष्यों के खिलाफ एक वायु रक्षा हथियार प्रणाली है।, है कि वो ऐसे हालात से और भी बेहतर तरीके से निपटे तो सटीक मारक क्षमता रडार ट्रैकिंग डिवाइस आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन आकाश प्राइम बनेगा दुश्मनों के लिए काल जिसके नाम से ही दुश्मन देशों में खलबली मच गई है दुश्मन देश के पसीने छूटने लगे हैं और भारत के लिए गर्व की बात है कि ऐसी मिसाइलें दुश्मन देशों के लिए भारत में ही तैयार की जा रही हैं। आज के हमारे खास शो डिफेंस न्यूज में फिलहाल इतना ही पर डिफेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज नमस्कार मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं मैं लोगों के बीच रहता हूं लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्स को खूब पहचानता हूं संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता ना कोई दौड़ ना कोई रेस कैपिटल बी उत्तर प्रदेश